हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आपने देखा ही होगा थंबनेल पर कि ये किस बारे में है। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो एकदम 100% नेचुरल और हर्बल है, जो कि हमारे हेयर को टूटने से रोकता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है, हमारे हेयर पर शाइन प्रोवाइड करता है, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करता है, और हमारे हेयर को इसकी हेयर ग्रोथ के लिए हमें मदद करता है। तो अगर सारे गुण अगर एक शैम्पू में होंगे तो आपको दूसरा कोई शैम्पू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट शैम्पू है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और जिन लोगों को पाउडर लगाने में मतलब टाइम ही नहीं है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ले और उनके पाउडर बना के हमें हेयर पर लगाए, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बोल रही हूँ, आप इसे यूज़ करके देखिए, आपके हेयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये ग्लोबस नेचुरल का है, आमला, रीठा एंड शिकाकाई हेयर शैम्पू। नाम इतने ही दिए पर इसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही गुणकारी होंगे और गुणकारी हैं। तो ये जो बॉटल है ये 2 ml का है, मुझे कॉम्बो पैक में मिला है, दोनों मिलाकर 4 ml का है, और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिला है, जो कि ये आप देख सकते हैं एक बॉटल 130 की है पर मुझे 200 में 2 bottles मिला है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए, जैसे कि रीठा, आंवला, भृंगराज, मेहंदी, शिकाकाई, जटामासी, नीम, तागर, बकुची, हल्दी, गिलोय, घृत कुमारी और अम्बा हल्दी। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, तो और हमारी ये हेयर की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। और ये यूज़ कैसे करना है आप सभी लोगों को पता ही है, बालों को गीला करके हमें इसे अप्लाई करना है अच्छे से, रूट से हमें इसे अच्छे से मसाज करके ये करना है, और इसे 3 to 5 minutes तक रखना है और इसे अच्छे से धो देना है। तो आप इससे जल्द से जल्द आप ले सकते हैं अगर किसी के हेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको हेयर प्रॉब्लम के लिए, तो ये ख़रीद के एक बार इसे ज़रूर यूज़ करिए, फिर मुझे बताइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने देखा कि ये जेल बेस में है और बहुत सारे इसमें ऐड किए गए हैं, प्लीज़ इसे यूज़ करें, जो कि जिनको बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं वो।